नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमके न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो चलिए कुछ खास और बड़ी खबरों की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें मैं क्या कहूँ, आज खुद रमन सिंह के अस्तित्व और भरोसे पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। केंद्र सरकार उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रही है। प्रदेश में तीन तीन उपचुनाव हुए। खैरागढ़ उपचुनाव, जिसे रमन सिंह जी अपना तीसरा घर मानते हैं, वहां रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस ने जीत हासिल की। रमन सिंह जी अपना घर बचाने में सफल नहीं हुए और भरोसे की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दो दो कार्यक्रम, तीन तीन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हुए। कार्यकर्ताओं का तो छोड़िए, जनता तक उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंची है। सरायपाली के कार्यक्रम में उड़ीसा के लोगों पर को लाया गया और हमारे नेता राहुल गांधी का जब मेला ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम हुआ तो पूरा मेला ग्राउंड में लाखों लोग एकत्रित हुए। इसी से आप समझ सकते हैं कि भरोसा किस पर है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब भूपेश बघेल सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है, ये किस लिए भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, ये बयान उन्होंने दिया था। उसी बयान पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और भरोसे का सम्मेलन में वो शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। तो छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर कि पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड अनिल पुष्पतकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका, लेकिन मैं यही जानना चाहूंगा कि आरोप और प्रत्यारोप के दौर में जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले रमन सिंह जी ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है, भूपेश बघेल जी किस लिए भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन अब भरोसे के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता हमारे साथ है, इनके कार्यक्रम में उनके कार्यकर्ता तो क्या जनता तक खुद नहीं आ रही है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अपनी अपनी डबली है और अपना अपना राग है और चुनाव का समय है तो चुनाव के मौसम में सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। रमन सिंह का जो आरोप है वो अपनी जगह विपक्षी भूमिका जो अदा कर रहे हैं उसके आधार पर है और ये भरोसे का सम्मेलन ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत समय से कर रहे हैं भूपेश बघेल। और आज सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी शामिल हुए, आज तो पूरी ताकत लगा दी थी कांग्रेस में, कांग्रेस ने इस सम्मेलन में, और अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाने के साथ ही भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर भी निशाना साधा, जो अभी राजनांदगांव जिले में हो रहा है। राजनांदगांव से वो खुद चुनाव लड़ते हैं रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, तो ये राजनांदगांव उनका गृह जिला है, तो यहाँ पर सम्मेलन करके एक प्रकार से सीधे सीधे उन्होंने जो है रमन सिंह को चुनौती दी और सभा से खुले मन से उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो है वो उसने राजनांदगांव जिले को पिछड़ा रखा, 15 साल सरकार रही लेकिन कोई विकास काम नहीं किया, विकास काम हम कर रहे हैं, विकास के जो कारखाने और ये जो है जो भूमि वन भूमि का अधिकार पत्र देने से लेके किसान कर्जा माफी सारी अपनी उपलब्धियां गिनाई। साथ ही साथ उन्होंने रमन जी पर वार करने का कोई मौका नहीं चुका, उन्होंने कहा कि ये जो है पिछली सरकार जो है लुटेरों की सरकार थी, ये छत्तीसगढ़ को लूटती रही जी। तो अब आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे और इसमें और तल्खी भी आएगी, तेजी भी आएगी, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे फिर तो ये जो सिलसिला है आरोप प्रत्यारोप का बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है उन्होंने भी जो है एक बड़ी बात कही कि बोले ये छत्तीसगढ़ से मेरा लगाव इसलिए है क्योंकि यहीं पर सम्मेलन हुआ था जो हमारा और यहीं पर मेरा नाम तय हुआ था, यहीं से मैं अध्यक्ष बना हूँ, आप लोग की दुआओं से अध्यक्ष बना हूँ तो छत्तीसगढ़ के लिए मेरा भी कर्तव्य है, मैं भी छत्तीसगढ़ को बहुत प्यार करता हूँ। तो ये कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को वोटरों को लुभाने वाला सम्मेलन है, चुनावी सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन जो है वो आज जो है बड़ी संख्या में जितने भी असंतुष्ट और संतुष्ट सभी कांग्रेस नेता मंत्री सब शामिल रहे, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अब ये लड़ाई अब शुरू हो रही है और दो दिन तीन दिन बाद जो है 12 तारीख को भाजपा के भी जो है राष्ट्रीय गृह मंत्री वो यहाँ आ रहे हैं बस्तर में, वो दंतेवाड़ा से यात्रा शुरू करेंगे, परिवर्तन यात्रा भी शुरू होने वाली है, उस पर भी आरोप लगेंगे। जी मनीष जी, बिल्कुल। लेकिन सर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी बात कही कि प्रदेश में तीन तीन उपचुनाव हुए। खैरागढ़ की बात करें तो खैरागढ़ में कांग्रेस ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और ये कहा जाता है कि रमन सिंह जी इसे खैरागढ़ को अपना तीसरा घर मानते हैं, यहाँ पर वो अपना किला नहीं बचा पाए। और बात करते हैं पूरे प्रदेश की, इस दावे को में कितनी सच्चाई है, क्या माने सर इसको? देखिए,
खैरागढ़ में तो जरूर है, इन्होंने डिपार्टमेंट हाउस जीता है कांग्रेस ने, और खैरागढ़ क्या सारे उपचुनाव जो है वो जीते हैं, नगर निगम और नगर पालिकाओं के भी जो जो चुनाव है वो भी कांग्रेस ने ही जीते हैं जी। तो इसमें कोई शक नहीं रहा कि भूपेश बघेल जो चुनाव में जब जीत कर आए थे पिछली बार, तो भूपेश लहर थी यहाँ, कोई कांग्रेस की लहर अगर नहीं थी, भूपेश की लहर थी। भूपेश ने व्यक्तिगत रूप से जो है लोगों को जो है उनकी जो उनका व्यक्तित्व है वो बहुत डाउन टू अर्थ है, हर आदमी से इतनी आत्मीयता से मिलते हैं, अपने दोस्तों से, स्कूल कॉलेज के दोस्तों से, वो कहीं पर भी जाए उनको कॉलेज का दोस्त मिलता है तो बकायदा सबको छोड़कर उससे बात करते हैं। तो ये उनकी जो मैन टू मैन जो अटैचमेंट है तो वो बहुत काम आया उनके, और प्रदेश में एक प्रकार से जो है भूपेश का ही नाम चल रहा है यहाँ, कांग्रेस भूपेश के दम पर ही चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है पिछले चुनाव में उन्होंने जो किसानों के लिए घोषणा की थी एमएसपी बढ़ा दिया था तो वो उसका बहुत फायदा मिला था, तो उसके बाद से एक माहौल जो है छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के फेवर में ही बना। साथ ही साथ जो है तो जो बीजेपी का जो 15 साल का सरकार था उसमें एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कह सकते, लेकिन चेहरों से बहुत नाराजगी थी लोगों की, जो कुछ चेहरे से लगातार बने हुए थे तो उनसे भी बहुत नाराजगी थी, और फंड भी एक प्रकार से आरएसएस जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहा था कुछ चेहरे को लेकर। तो ये सारी परिस्थितियां बनी थी, तो उसके बाद जो है खैरागढ़ का चुनाव जीतना कोई भूपेश बघेल के लिए बड़ी बात नहीं थी। जी बिल्कुल सर, चेहरों की यहाँ पर बात निकली है तो एक सवाल ये भी पूछ लेता हूँ कि अभी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कोई भी चेहरा आगे नहीं किया है कि हम इस चेहरे के दम पर पूरा छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ने वाले हैं, रमन जी को भी अभी आगे नहीं किया है, क्या शायद यही वजह है कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि आज उनके खुद के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्या शायद यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ की कमान संभाल रखी है? इसमें कोई शक नहीं, जो कह रहे मनीष बात सही है, अभी तक चेहरा उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, और ये बीजेपी की नीति भी रही है, कई बार वो चेहरा कई चेहरा बताते हैं, कई चेहरा नहीं बताते थे, कि जिस प्रकार से मनोहरलाल खट्टर को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था वो अपना कैशिस था, तो यहाँ पर भी रमन सिंह चेहरा नहीं थे जब चुनाव लड़ा गया था पहली बार जब भाजपा सरकार में थी, तब भी रमेश बैस के नाम केंद्रीय राज गवर्नर है मुंबई महाराष्ट्र से, उनका नाम आगे था, लेकिन उनको किनारे करके अचानक रमन सिंह का नाम आया और रमन सिंह मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो चेहरा तो अभी नहीं है। संयुक्त जो एक जो टीम वर्क के नाम से वो कर रहे हैं उस, और उसके पीछे देखिए आप जो कह रहे चेहरे की बात, तो यहाँ पुराने चेहरे भी बदलने की बात बहुत तेजी से उठ रही है, उनकी पहली लिस्ट है 21 लोगों की जो पहली जो सूची जारी थी उम्मीदवारों की भाजपा ने, उसमें पुराने चेहरे बहुत सारे काट दिए, सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा था जो महामंत्री है ओपी चौधरी आईएएस थे, कलेक्ट्री छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, पिछली बार चुनाव लड़े हार रहे थे, तो उनका नाम इस बार पहली सूची से आया था विधानसभा सीट से, तो चेहरे भी जो है बदलने की बात जो है भाजपा कर रही है, तो इसमें चेहरे की तो कोई बात अभी भाजपा की ओर से सामने में नहीं है। रमन सिंह को ऐसा लगता जरूर है कि उनका चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की सभाओं में महत्व देते हैं तो उनके सिवा कोई बड़ा चेहरा इनके पास भाजपा के पास है भी नहीं, लेकिन कुल मिला के नेतृत्व अभी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व जो है वो संभाल रहा है। यहाँ पर छोटी सी एक बात है कि जो मीडिया जो यहाँ प्रभारित हुआ करते थे वो स्थानीय लोग होते थे, मीडिया को जो अटेंड करने के लिए मीडिया के लिए जो भाजपा का जो एक संगठन का जो वर्ग था वो काम करता था, इस बार जो है उत्तर प्रदेश के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह जो लाल बहादुर शास्त्री के नाती है उनको लाकर यहाँ पे इंचार्ज बना दिया गया, बैठा दिया गया, तो ये सब बताता है कि बीजेपी इस बार कोई चूक करना नहीं चाहती, कहीं से कोई चेहरे के नाम से कोई चूक ना हो जाए, चेहरे से कोई असंतुष्ट ना, वो कहीं से भी कोई भी चूक करना नहीं चाहती, फुल प्रूफ प्लान के साथ चल रही है मनीष। जी बिल्कुल सर, तो कुल मिलाकर यही बात है कि अब बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, चेहरों को लेकर हो, चाहे संगठन को लेकर हो, चाहे पकड़ को लेकर हो, या चाहे नेतृत्व को लेकर हो, शायद यही वजह है कि अब केंद्र ने छत्तीसगढ़ की कमान अपने हाथ में खुद रखी है। तो सर, तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस चुनावी रणनीति बना रही है उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही, चूंकि छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य है, ट्राइबल एरिया है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए एमके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।